संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के 4 दिनी उज्जैन प्रवास की शुरुआत इस्कॉन मंदिर से हुई, जहां संघ प्रमुख ने इस्कॉन मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजन कर देश में सुख शांति के लिए मनोकामना की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत अपने 4 दिनी उज्जैन प्रवास के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं संघ प्रमुख ने अपने उज्जैन प्रवास की शुरुआत इस्कॉन मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन के साथ की। इस्कॉन मंदिर पहुंचने पर भक्तगण कीर्तन करते हुए उन्हें मंदिर में लेकर आए। प्रफुल्लित होकर भागवत भी हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। चंदन लगाकर उनका स्वागत किया गया। मंदिर में उन्होंने नरसिंह भगवान की आरती भी की। इस अवसर पर मंदिर के PRO पंडित राघव दास जी ने उन्हें इस्कॉन मंदिर की गतिविधियों और आयोजनों से अवगत कराया। के बाद संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात श्री शिव भक्ति चारू स्वामी जी महाराज के समाधि स्थल का अवलोकन कर पुष्प अर्पण किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज TV, उज्जैन। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। MP की बात, MP न्यूज के साथ।